मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये आज प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है और मेरे लिए एक ऐसा मुद्दा है जो मैं ऐसा कह सकती हूँ मेरे दिल के भी बहुत करीब है, उसको मैंने जिया है, क्योंकि मैं खुद उस परिवार से हूँ और मैं जानती हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा का क्या महत्व है और शिक्षा पाने की वो जो लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई में जब वो जीत नहीं पाते हैं तो उनका पूरा का पूरा जीवन अंधकार में चला जाता है। जिस तरीके से आदरणीय लालजी वर्मा जी कह रहे थे कि 28% से भी ज्यादा हमारी आबादी है जो इसमें आती है, लेकिन सदियों से उनका हक छीना गया है, उन्हें अपेक्षित रखा गया है। अपेक्षित रहने का कारण उनकी मानसिक या शारीरिक कमजोरी नहीं है, उन्हें शिक्षा न देना, सतत विकास, अधिकारिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, भागीदारी, प्रजातंत्र, समानता, इन सब से सदियों से वंचित रखा गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मूलतः अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ये जो बच्चे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं और आज इस सरकार में देखा जा रहा है कि ज्यादातर बच्चे जो प्राइमरी स्कूल, मीडियम और हायर सेकेंडरी के बाद ड्रॉप आउट्स कर रहे हैं, और ये जो ड्रॉप आउट्स हैं उसका कारण ये है कि स्कूलों के कॉलेजेस की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, जो इनका परिवार समर्थ नहीं है देने के लिए। पुरानी सरकारों ने हमेशा इस तरीके की नीतियां लाई और इस तरीके से मदद करने की कोशिश की कि ये जो हमेशा से अपेक्षित रहा समाज है उसे आगे उठाया जा सके। अभी कुछ दिन पहले संविधान दिवस के दिन हम सभी ने प्रण लिया और हर वर्ष लेते हैं कि हम सब भारत के नागरिक भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने में पूरी भागीदारी देंगे। आपकी सरकार का ये वादा भी रहा है कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन ये धरातल पे क्यों नजर नहीं आता? आज चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, हर कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप की बात करते हैं तो उससे पहले जनगणना आती है। और जब जब विपक्ष ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है, बार बार ये सरकार उस मुद्दे को लेकर के लापरवाही बरतती रही, टाल मटोल करती रही, और यह दर्शाता है कि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को और उनके शिक्षा को लेकर के असंवेदनशील हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक छोटी सी रिपोर्ट है जिसको एक उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगी कि प्रतापगढ़ में चरिया एक जगह है जहां पे हमारे वनवासी समाज के, आदिवासी समाज के, मुसहर समाज के लोग रहते हैं। उनकी जो टोटल संख्या है वो 293 है और उसमें अगर हम साक्षरता की बात करें तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो शिक्षित है। उसमें 45 बच्चे हैं जो 6 से 12 वर्ष की उम्र में आते हैं और उसमें से सिर्फ 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं। अगर हम बात करें 13 से 18 वर्ष के बच्चों की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं।